हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्सरी मेडिकोस। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो बी फार्मा का जो एक फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके बारे में आपको थोड़ा सा सिलेबस के डिटेल वीडियो में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि सिलेबस है क्या, क्या क्या कंटेंट है इसमें, ठीक है, ताकि आपको सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा सा आसान लगे और आपको पता चले कि हाँ मुझे ओवरव्यू पता है ओवरऑल कि सब्जेक्ट में क्या मुझे पढ़ना है, ताकि एट लास्ट आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो सके और काफ़ी अच्छा आप बाकी सब्जेक्ट के कंपेयर में आप इसमें परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ऐसे ही एक हर सिलेबस मतलब 6 सब्जेक्ट के ऊपर मैं सिलेबस का वीडियो लाऊंगा, जिसमें से कि HAP का जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक मतलब ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो बी फार्मा आपका है ये 4 साल का कोर्स है, 4 ईयर कोर्स, आपको इतना पता होगा। और 4 ईयर में 8 सेमेस्टर्स होते हैं, ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम उसका होता है, तो 8 सेमेस्टर होते हैं जो कि हम लोग अब स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की आप लोग एडमिशन लिए होंगे नया नया जोश, तो जोश हमेशा हाई रखो अपना और जोश बना रहना चाहिए, ठीक है। एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है और पूरा 100% अपना देना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला HAP फर्स्ट, HAP का फुल फॉर्म हो गया आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इसलिए हम लोग देखो बोल रहे हैं क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में अगर तुम लोग जाओगे हम जो भी जाएगा तो उसमें क्या है कि तुम्हारा HAP सेकेंड नाम की एक बुक मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब सेम ना हो इसलिए थोड़ा पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड रखा गया है, ठीक है। बाकी दूसरा जो है ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये आपका सेकेंड सब्जेक्ट है, इसमें आपको एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना होगा और बेसिकली टाइट्रेशन वगैरह भी इसमें है, तो उसी का क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अभी डिटेल हर सिलेबस के डिटेल का वीडियो अभी आएगा और उसके HAP का जो कि आ चुका है और बाकियों का आएगा, और ये इनऑर्गेनिक मैं बना रहा हूँ इस समय जो कि आप देख रहे हैं अभी, और बाकी क्या है कि उसके बाद मैं डिटेल में हर सब्जेक्ट को कवर करूँगा अच्छे से टॉपिक वाइज। टॉपिक मतलब इसमें यूनिट वाइज दिया होता है, चैप्टर वाइज नहीं, इसमें होता है टोटल 5 यूनिट हर सब्जेक्ट में, तो यूनिट वाइज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस तीसरा आपका हो गया फार्मास्यूटिक्स, फोर्थ हो गया आपका इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसी को फार्मास्यूटिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PIC भी बोलते हैं, ठीक है। पांचवा हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल, ठीक। और छठवां हो गया आपका सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बी फार्मा के, वो है आपका रेमेडियल मैथ्स MATHS और या तो रेमेडियल बायो। अब देखो जिसका इंटरमीडिएट में बायो ग्रुप रहा होगा, बायो इन अगर जो 12th में रहा होगा वो मैथ्स पढ़ेगा, और जिसका मैथ्स रहा होगा 12th में वो पढ़ेगा बायोलॉजी, क्योंकि बीफार्मा जो है आपको पता होगा इतना बेसिक चीज़ कि मैथ्स वाले ग्रुप लोग वाले बच्चे भी कर सकते हैं और बायो वाले ग्रुप भी, ठीक है। तो इसलिए ये अब देखो HAP वीडियो अपलोड हो चुका है, एनालिसिस का मैं आपको बता दूंगा, फार्मास्यूटिक्स का भी डाल दूंगा। और देखो ये कम्युनिकेशन ये थोड़ा सा क्या है, दो आपका इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जहाँ की फार्मेसी का कोर्स चलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ AKTU का जितना भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, तो आपका 4 मेजर सब्जेक्ट होता है, 4 और 2 माइनर होता है, ठीक है। तो ये 2 माइनर अब इसका यूज क्या है देखो, और यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के केस में जैसे जिसमें हम लोग हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ बी फार्मा कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि इसमें आपका 6 टोटल 6 सब्जेक्ट आपका मेजर सब्जेक्ट है, सबका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा और सबका परसेंटेज ऐड होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सबको कवर करके चलूँगा 6 सब्जेक्ट को, क्योंकि देखो अगर PCI ने आपके सिलेबस में अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, ठीक है, ताकि आपका स्किल्स बढ़े हर मामले में। तो देखो यहाँ ये जो सिलेबस है वो PCI डिजाइन करता है, जिसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिखा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो देखो अब ये बात है कि कम्युनिकेशन स्किल हम लोग पढ़ते क्यों, सबसे पहले ये देख लेंगे। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है PCI, इसका जो आपका हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो अब देखो ये 2 सब्जेक्ट पढ़ना क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन स्टाइल आपका स्किल को इम्प्रूव करता है काफ़ी हद तक, पढ़ने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंट कर पाएंगे लोगों के सामने, हिंदी में बोले तो जटिल समस्याएं को आप इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे लोगों के समक्ष, ठीक है। तो क्या है कि इसका यूज देखो पेशेंट काउंसलिंग के समय होता है, जैसे मान लो अगर कोई मेडिकल स्टोर पे है अगर कोई फार्मासिस्ट है, ठीक है, और पेशेंट कोई अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया कि मुझे ये
दवा, पर्टिकुलर दवा चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में उस मेडिकामेंट को कैसे एडमिनिस्टर करना है बॉडी में, कैसे उसका क्या नाम है, कैसे डोज होगा, क्या स्ट्रेंथ होगा, उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल फार्मासिस्ट को देखो समझाना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे समझा पाए इजीली और कैसे इंटरेक्ट करे पेशेंट से ताकि एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो, तो इसलिए हमको इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हालांकि एक केस में और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब आप किसी कंपनी में अगर आप जॉब करने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देखो वहाँ पे देना होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपका नॉलेज तो देखो सब लोग बीफार्म करके आए हैं, ठीक है, नॉलेज मैटर करता है डेफिनेटली, लेकिन आप कैसे कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स जो आपके होंगे कैसे आप हैंडल करेंगे लोगों को, सिचुएशंस को कैसे समझाएंगे, मिला जुला के रखेंगे, तो ये भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट मैटर करता है, इसलिए वहाँ पे भी काफ़ी आपका यूज होता है, ठीक। और रिमेडियल मैथ्स का देखो ये यूज है कि थोड़ा बहुत ड्रग का कैलकुलेशन, जैसे उसका अमाउंट, डोज, उसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कितना एडमिनिस्टर करना चाहिए बॉडी में, तो थोड़ा सा उसके प्रिपरेशन में अमाउंट या ये सब के कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड होती है, जो कि 11th 12th की इसमें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। यही बायो में है, बायो आपका 11th 12th लेवल कैसे मिलेगा, जो कि मैथ सिस्टम से 12th में थे, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं सिलेबस, आपको थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, तो इस सब्जेक्ट में से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज देखो इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, ये मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ देखो, तो और ये अब आज इस वीडियो में IPC या PIC फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो ये है आपका सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट, जिसका नाम है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि थ्योरी पोर्शन है, जिसका कोड BP1040 है। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ये कोड के बारे में समझा देता हूँ कि ये जो यहाँ पे मेंशन कोड है BP1040 ये क्या है, ठीक है। देखो तो जैसे मैं बताया आपको, सबसे पहले HAP है हम लोग का, फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ जल्दी जल्दी में, फिर फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स, फिर इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फिर कम्युनिकेशन स्किल है आपका, कम्युनिकेशन स्किल है, फिर रिमेडियल मैथ्स है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 सब्जेक्ट है। तो देखो अब इसका कोड यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो कि लिखा हुआ है BP1040, इसका लिखा हुआ है कि BP1040, ठीक है। तो अब यहाँ BP में BP क्या है कि BP डिपेंड कर रहा है कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ देखो इतना, तो अब बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो इसका बैचलर का बी उठाया गया है, फार्मेसी का पी, ठीक है। तो इसको ऐड करके BP यहाँ से लिया गया है, क्योंकि आप बैचलर ऑफ फार्मेसी दो पढ़ाई कर रहे हो यार, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी ही होगा, ठीक है, ये तो उतना आपको पता होगा। बाकी ये जो 10 है, 104, तो इसका क्या मतलब है कि 10 यानी 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, कौन सा, सब्जेक्ट नंबर 4, 104 का रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट नंबर 4, फोर्थ सब्जेक्ट कौन सा, IPC। अगर लिख देगा मान लो 01, तो यानी फर्स्ट सब्जेक्ट, जैसे सिक्वेंस वाइज होता है सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे 9th 10th में आप लोग सुने होंगे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, तो एक ये सिक्वेंशियल फॉर्म में होता है ना, तो ऐसे ही इसमें सब्जेक्ट का ऑर्डर वाइज दिया है कि फर्स्ट सब्जेक्ट तो आपका HAP है, सेकंड एनालिसिस है, थर्ड सीउटिक्स है यानी फार्मास्यूटिक्स, फोर्थ आपका IPC है, फिफ्थ आपका कम्युनिकेशन स्किल है, और सिक्स जो आपका रिमेडियल मैथ्स है या तो रिमेडियल बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और टी के यहाँ पे थ्योरी है, जैसे अब चार इसमें से जो मेजर सब्जेक्ट हैं बेसिकली, जो कि आपका HAP, एनालिसिस, सीउटिक्स और IPC, ठीक है। देखो फार्मास्यूटिक्स को हम लोग शॉर्ट में कभी कभी पी डॉट सीउटिक्स लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को पी डॉट एनालिसिस, ठीक है। आप लोग अभी देखो इनिशियल फेज में हो थोड़ा सा, उसमें आपको हर बात मुझे बतानी होगी आपको, ठीक है। जैसे मुझे अपने स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा सा डाउट होता था, सिलेबस समझने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है ना, 1-2-3 हफ्ते करीब सिलेबस ही समझने में समय लग जाता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको उतना समय ना लगे, आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, मैं आपको थोड़ा अच्छे समझा दूँ सिलेबस क्या है और आप अपना कंटिन्यू कर सकें पढ़ाई, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो 104 ये हो गया आपका। अब टी पोर्शन क्या है कि मैं बता रहा था आपको कि थ्योरी, बाकी इसका 4 का प्रैक्टिकल होगा इसका, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल पी आ जाएगा कोड में, और बाकी यहाँ पे थ्योरी है तो टी लिखा रहेगा, ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अब थ्योरेटिकल पोर्शन का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक। तो HAP का ऐसे ही सब में, बी फार्मा का सिलेबस है देखो, तो BP सब में लिख लीजिए आप कॉन्स्टेंट, BP कोड हो जाएगा सबका BP। अब यहाँ पहला सेमेस्टर का सब है तो सब में 1 लिख लीजिए, ऐसे ही इसमें भी BP हो जाएगा, इसका भी BP, फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट का ऑर्डर है, 104 जैसे था तो फोर्थ नंबर पे, तो HAP फर्स्ट नंबर पे, यहाँ मैं फर्स्ट लिखा हूँ तो 01, यहाँ पे देखो सेकंड लिखा हूँ तो 02, यहाँ पे 3 है तो 03, यहाँ पे 4 है तो 04 यहाँ हो गया, 5 है तो 05 हो गया, 6 है तो ये BP106 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबका थ्योरी पढ़ना है तो TT ले देंगे, BP101T,
1.02T, ऐसे 1.03T, 1.04T, इसका 1.05T, और रिमेडियल मैथ का टी नहीं लिखते हम लोग, रिमेडियल मैथ को आर एम टी लिखते हैं, ठीक है। बस यही थोड़ा सा इसमें चेंज है, रिमेडियल आर से रिमेडियल, एम टी यानी मैथ्स, ठीक है। ऐसे ही रिमेडियल बायो का आर एम बी हो जाएगा, रिमेडियल बायोलॉजी, ठीक। इतना मैं होप करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा पेपर कोड क्या है इससे रिलेटेड आइडिया लग गया होगा कि ये यहाँ पे जो पेपर कोड मेंशन है ये लिखा कैसे गया है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कोर्स के कंटेंट पे कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट पढ़ना है आपको, क्या क्या मेंशन है, उसका स्कोप यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ऑब्जेक्टिव मतलब पढ़ने के बाद आप क्या क्या आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कंटेंट करता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटो क्या है, एक टाइप का बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें देखो तो स्कोप क्या है, अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर पा रहे हैं वो उसका स्कोप हो जाता है, ठीक है। जैसे लिखा है दिस सब्जेक्ट डील विद द मोनोग्राफ ऑफ द इनऑर्गेनिक ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब देखो पहले मोनोग्राफ क्या होता है, ये तुम्हारा होता है किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एक बुक में, स्टैंडर्ड बुक जिसे हम लोग फार्माकोपिया कहते हैं उसे मोनोग्राफ कहते हैं, ठीक है। मोनोग्राफ यानी अगर मैं यहाँ थोड़ा समझा दूँ आपको, मोनोग्राफ क्या है, ये आपका प्रेजेंट होता है कंप्लीट डिटेल्स ऑफ डिटेल ऑफ पर्टिकुलर सिंगल ड्रग, किसी पर्टिकुलर सिंगल ड्रग के कंप्लीट डिटेल्स, लाइक डिटेल में क्या क्या होगा, लाइक उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, शॉर्ट में एमओपी लिखता हूँ मैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पीपी, केमिकल प्रॉपर्टी सीपी हो गया, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी फिर उसका स्टोरेज कंडीशन क्या हो गया, उसके बाद फिर उसका परसेंटेज ऑफ प्योरिटी यानी एसे वगैरह क्या है, ये सब आपका कंटेन करता है एक सिंगल मोनोग्राफ, ठीक है। ये सब प्रेजेंट होता है, मोनोग्राफ प्रेजेंट होता है आपका फार्माकोपिया में, इसका स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, फार्मा को पी ओ ई आई ए होता है, ठीक है। फार्मा को पोइया टाइप का होता है, ठीक है, मतलब पोइया यहाँ पे होता है, हम लोग फार्माकोपिया शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो फार्माकोपिया, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोग्राफ, और इसमें बेसिकली हम स्कोप देखें तो आप जो डेली इनऑर्गेनिक ड्रग्स जो कि हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं अपने बॉडी में, जो कि रिक्वायरमेंट होता है, जो रिक्वायर्ड होता है बॉडी को किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या तो क्योर करने के लिए या कोई भी डायग्नोस करने के लिए जो भी चीज़, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ दवा के बारे में, इनऑर्गेनिक वाले जो होंगे, ठीक है। तो हम अपना यूनिट वन जो है कंटिन्यू करते हैं कि यूनिट वन क्या है, ठीक है। थोड़ा सा करता हूँ उसको मैं जूम कि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो चलिए वीडियो आई होप कि क्लियर आ रही हो थोड़ी सी, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो यूनिट वन जो है आपका देखो यहाँ पे मेंशन है कि थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये देखो ठीक है, रेड पेन मालूम है, सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में इम्प्योरिटीज, अगर कोई मतलब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सके किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, कितने टाइप की, सोर्सेस क्या हैं, ये सब के बारे में इसमें पढ़ना है हम लोग को। जैसे सोर्सेस यानी कहाँ कहाँ से इम्प्योरिटीज एड ऑन हो सकती हैं हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, यानी जो हम लोग बेसिकली ड्रग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई आप दवा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी भी कंपनी में तो उसमें जो इम्प्योरिटी है वो सोर्स उसका क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से वो इम्प्योरिटी ऐड हो सकती है, कितने टाइप्स की इम्प्योरिटी हो सकती है, ठीक है। तो देखो अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको तो इम्प्योरिटी देखो शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि क्या है कि एनी फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि को एग्जिस्ट करे आपके ओरिजिनल ड्रग के साथ, जैसे कोई आप ड्रग बना रहे हैं मान लो पैरासीटामॉल बना रहे हैं, ठीक है, पैरासीटामॉल बना रहे हैं आप जिस मशीन में बना रहे हैं, मान लो आप उस मशीन में पहले से ही एस्पिरिन बना चुके होंगे, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से क्लीन तो किए हैं, हालांकि काफ़ी अच्छी कंपनी में देखो क्लीन की जाती है, अगर मैं बस सपोज कर रहा हूँ मान लो थोड़ा सा अगर उसका पार्टिकल्स लगे रह गए उस मशीन में, मान लो पंचिंग मशीन में, अगर आप टैबलेट पंचिंग मशीन में अगर पुट कर रहे हैं इसको, टैबलेट फॉर्म इनकॉर्पोरेट मतलब उसका बनाने के लिए उसका फॉर्म, डोजेज फॉर्म, ठीक है, तो अगर कर रहे हैं और एस्पिरिन का पाउडर उसमें लगा रह गया, ठीक है, तो क्या है कि कुछ क्वांटिटीज ऑफ एस्पिरिन जो उसका पाउडर होगा वो तुम्हारे पैरासीटामॉल के साथ एड ऑन हो जाएगा। अब तुम्हारा पैरासीटामॉल तुम्हारा टारगेटेड प्रोडक्ट था, मेन प्रोडक्ट था बनाने के लिए जो कि प्योर फॉर्म था, और उसमें क्या है दूसरा कोई अगर प्योर फॉर्म या तो इनप्योर फॉर्म आके ऐड हो जाए और टारगेटेड प्रोडक्ट को थोड़ा सा डेविएट कर दे, उसको प्रॉपर्टीज को, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, वो होता है हमारा इम्प्योरिटी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं शॉर्ट में डिफिनेशन बोल दूँ कि एनी सब्सटेंसेस विच इज कैन बी अ फॉरेन पार्टिकुलर मटेरियल विच इज को एग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग
सच एज स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट और द फाइनल प्रोडक्ट। इंप्योरिटीज देखो तुम्हारा ऐड हो सकता है स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल जब आप बना रहे हो, जैसे पाउडर वगैरह लिया होगे पैरासीटामोल का या किसी और प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो पाउडर फॉर्म लिया होगा उसका, उसमें देखो ऐड हो सकता है, उसी समय इम्प्योरिटी आ सकती है, या तो फिर इंटरमीडिएट कोई साइड रिएक्शन हो रहा था, या तो फिर फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद आप किस स्टोरेज कंडीशन में कहाँ पे स्टोरेज कर रहे हैं, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये सब में, ठीक है। ये आपका इम्प्योरिटी हो गया। जैसे अगर मैं बोल दूँ 650 mg आपको बनाना है पैरासीटामॉल, ठीक है, आप बना दिए 700 mg गलती से, तो जो एक्स्ट्रा जो ये 50 mg है ये भी एक तरीके का इम्प्योरिटी है, ठीक है। आपका डाउट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। बाकी मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, पहले से कुछ दिन काफ़ी समय हो गया मैं अपलोड किया हूँ, इम्प्योरिटी और उसके टाइप्स के बारे में कंप्लीट, मुझे लगता है 30 से 45 मिनट का लेक्चर होगा, आप अगर एक बार देख लेंगे आपको पूरा कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि इम्प्योरिटी है क्या, ठीक है। तो हो गया टाइप्स एंड सोर्सेस, टाइप में हो गया वही आपका कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी और डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, और सोर्सेस में आपका कि ट्रांसपोर्टेशन से इम्प्योरिटी ऐड हो सकता है, रॉ मटेरियल से, रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, स्टोरेज कंडीशन से हो सकता है, इन्वायरमेंट फैक्टर, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे मेन जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लिमिट टेस्ट, ठीक। लिमिट टेस्ट क्या है? लिमिट टेस्ट बेसिकली ये डिटरमाइन करता है, आपको ये बताता है कि मैक्सिमम कितना लिमिटेशन होना चाहिए किसी भी इम्प्योरिटी का किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है वो कितना अमाउंट तक मैक्सिमम उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, वो हमें लिमिट टेस्ट के थ्रू पता चलता है। ये एक क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सिलेबस बस समझा रहा हूँ कि आपको एक बार आइडिया बस हो जाए, ये नहीं कि डिटेल में आप समझ लीजिए, बस थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अच्छा हम लोग को ये पढ़ना है क्या क्या सिलेबस में, ठीक है। बाकी डिटेल में काफ़ी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ये सब्जेक्ट चालू करूंगा पढ़ाने, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट आपको पढ़ना है, और बेसिकली आपको लिमिट टेस्ट में देखो 5 कंपाउंड्स पढ़ने हैं, ठीक है। 5 के बारे में लिमिट टेस्ट यहाँ मैं लिखता हूँ, लिमिट टेस्ट में 5 पढ़ना है आपको। पहला है क्लोराइड के बारे में, दूसरा है सल्फेट, तीसरा है आयरन, चौथा है लेड, पांचवा है आर्सेनिक, और एक एक्स्ट्रा होता है छठवां में बोलते हैं इसे हैवी मेटल्स। ठीक है, तो क्लोराइड इसको हम लोग Cl- देखो बोलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। सल्फेट SO4 2- हो गया। आयरन यहाँ पे हम लोग Fe+2 फेरस फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है, फेरिक नहीं, फेरस फॉर्म, Fe+2 फेरिक, Fe+3 होता है, ठीक है। और लीड Pb+2, और आर्सेनिक हो गया As+3, इसमें आर्सेनिक ट्राईवेलेंट वाला पढ़ते हैं। देखो आर्सेनिक 2 फॉर्म होता है, पेंटावेलेंट एक ट्राईवेलेंट, तो हम लोग इसमें ट्राईवेलेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर पेंटावेलेंट भी अगर कोई सब्सटेंस दिया तो उसको हम लोग ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट सच एज स्टेनस क्लोराइड, हम लोग उसमें ऐड करके। फिर हैवी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक लीड आपका देखिए खुद ही हैवी मेटल, और भी इसके अलावा जो जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो तो पढ़ेंगे इसमें, ठीक। उसको ये इतना आपको समझ आ गया होगा। तो बात करते हैं, अब देखो लिमिट टेस्ट हो गया, इसी में आपको थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे लिखा है सिलेबस में लिमिट टेस्ट फॉर किसके लिए, क्लोराइड सल्फेट आयरन आर्सेनिक लीड हैवी मेटल, इतना बात मैं कर चुका आपसे, जिसमें से कि जो आपका ये जो आर्सेनिक वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10 नंबर के सवाल में डायरेक्ट आता है, ठीक है। एपरेटस वगैरह बनाने में थोड़ा सा बड़ा होता है ये ना इसका प्रोसीजर, उसलिए तो अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। फिर थोड़ा सा पढ़ना है आपको मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और सल्फेट का, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसीजर में मॉडिफाइड होता है इसमें। ये आपका ऐसे हो गया यूनिट फर्स्ट कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकंड के ऊपर में। अब देखो थोड़ा सा देखो यूनिट फर्स्ट में एक चीज़ लिखा हुआ है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो हम लोग को स्किप देखो कुछ नहीं करना है, ठीक है। पूरा अच्छे से समझना है कि सिलेबस में है क्या आपने, क्योंकि जितना अच्छे से आपका अगर सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छे से ही आपका वो सब्जेक्ट क्लियर होगा, आपका कमांड उतना अच्छा उस सब्जेक्ट पे बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, लिखो देखो इसमें लिखा है कि जनरल, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, हाँ देखो, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एसे ऑफ द कंपाउंड या फॉर द कंपाउंड सब्सक्रिप्टेड विद द एस्टरिस्क प्रॉपर्टी मेडिसिनल यूजेस, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जिस जिस कंपाउंड जो जो यहाँ मेंशन है कहीं कहीं उसमें अगर एस्ट्रिस्क मेंशन है, ठीक है। एस्ट्रिस्क मतलब क्या, ये स्टार जो मार्क है यहाँ पे, ये देखो जैसे अमोनियम क्लोराइड लिखा है यहाँ पे, देखो स्टार बना है, ठीक है। तो जिस पे स्टार लगा है उसको आपको उसका ऐसे पढ़ना है, ऐसे यानी क्या परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितना वो प्योर है वो सब्सटेंस, उसका आपको ऐसे पढ़ना होगा, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा, उसके बाद आपको यूजेस उसका पढ़ना होगा। यूजेस तो हालांकि सबको सबका पढ़ना है आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सब। लेकिन क्या है, स्टार वाले बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम लोग को उसका ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्टार लगा हुआ ये रहा, ठीक है, ऐसे फॉर्म में ये बताएगा कि हम लोग को उसका उस पर्टिकुलर कंपाउंड का ऐसे यानी कितना परसेंटेज ऑफ प्योरिटी है उसमें ये पढ़ना होगा, ठीक। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर पे। सेकेंड सेमेस्टर में देखो वही एसिड बेसिस एंड बफर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक। एसिड बेस आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं क्या है, इसमें हम लोग को 5 थ्योरीज के बारे में पढ़नी होगी जो कि दी गई थी, जैसे आपका हो गया
अरहेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, फिर लेविस थ्योरी, फिर लक्स फ्लूड मॉडल, ये सब ऐसा कॉन्सेप्ट, ये सब थ्योरी आती रहेगी। और बफर आपका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ऐसे सोल्यूशन या सब्सटेंसेस विच रेजिस्ट इन द चेंज ऑफ द पीएच व्हेन द एडिशन ऑफ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एसिड और बेस टेक्स प्लेस। ठीक है, मतलब कि ऐसे सोल्यूशन या सब्सटेंस जो कि अपने पीएच को रेजिस्ट करें चेंज होने से, मतलब मेंटेन किए रहें, अगर हम लोग बोल सके अपने पीएच को, कि जैसे मान लो पीएच का रेंज इनका 7.4 है से 7.5 है, मान लो 7.5, तो इतना आपका रेंज इसको मेंटेन किए रहे। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड कर दिए तो ये एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगे या बेसिक की तरफ इसका पीएच शिफ्ट हो गया, तो ऐसा टाइप का। ठीक है, तो ये बफर सोल्यूशन रेजिस्ट करते हैं। हम लोग नॉर्मल बात करें तो हमारे देखो ह्यूमन बॉडी में नेचुरल बफर होता है ब्लड ग्रुप, जिसका पीएच 7.4 होता है, जो कि आपका एक नेचुरल बफर के रूप में यूज होता है। क्योंकि आप कोई भी फूड अगर खाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एसिडिक नेचर का, बेसिक नेचर का, खट्टा मीठा तीखा जो भी है, तो सब तो ब्लड सिस्टम में सर्कुलेशन जाता है, तो पीएच वेरी कर सकता है हमारा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट बना रहे, मतलब चेंज ना हो, उसलिए हमारा एक ब्लड होता है जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि बफर सोल्यूशन की तरह ऐड करता है, जो कि एक नेचुरल बफर होता है। ठीक है, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ये आप एचएपी में पढ़ेंगे, आपको जो है मेरे साथ विशाल मिश्रा सर आपके जो है वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग बात करते हैं, अब देखो बफर इक्वेशन, आप 11th के चैप्टर इक्विलिब्रियम में आप पढ़े होंगे बफर इक्वेशन, जिसका नाम था हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, वही वाला जो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ के ए, फिर एसिड सॉल्ट बाई एसिड और बेसिक एसिड सॉल्ट बाई बेस, ये वाला देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाई बेस। अगर बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ से देख लो, मैं नोट कर दिया हूँ, मतलब अगर कुछ मैं थोड़ा सा अगर गलत बोल दिया हूँ तो। ठीक है, और बेस के केस में यहाँ पे बेस हो जाएगा, ये सभी इक्वेशन आपको डेरिवेशन उसका ये पढ़ना होगा, ये आप देखो उसमें पढ़े थे। ठीक है, 11th में। फिर ऐसे बफर कैपेसिटी कितना मैक्सिमम क्वांटिटी तक, कितना मैक्सिमम कैपेसिटी तक जो बफर अपने को रजिस्ट कर सकता है पीएच को चेंज होने से, वो गया बफर कैपेसिटी। फिर जनरल बफर क्या क्या, बफर फार्मास्यूटिकल सिस्टम में बफर का यूज़ क्या है, उसका कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी कितनी क्या क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बफर की। ठीक है, फिर बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, टोनोसिटी क्या होता है, फिर मेजरमेंट कैसे करेंगे टोनोसिटी का, कैलकुलेशन क्या होगा, फिर मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनोसिटी। ठीक है, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा यूनिट 2 के फर्स्ट वाले पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं कि मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। देखो तो थोड़ा सा मैं रीच करता हूँ, आपको बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट में कि एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर क्या है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है आयन्स, जैसे Na+, K+, Ca2+, Mg2+। ठीक है, ये जो आप जितना भी जानते हैं आयन, कैटायन, एनायन, ये सब हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखो एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे जैसे लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी नाम से समझ में, इसको ब्रेक करो, एक्स्ट्रा और सेलुलर, सेल से एक्स्ट्रा यानी सेल के बाहर जो, जैसे ये मैं सेल बना रहा हूँ, मान लो ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म वगैरह है, तो जो आयन्स मान लो K+, Na+ ये सब प्रेजेंट है, ये सेल के बाहर है देखो आउटसाइड, तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। इसी का दूसरा नाम होता है इंटर सेलुलर। देखो इसमें कन्फ्यूज मत होना है, इसमें इन दोनों टर्म में बात नहीं कर रहा कन्फ्यूजन की, मैं बात कर रहा हूँ इंटर सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, ये टर्म देखो कैसे याद करना है कि कौन सा क्या है। तो इंटर हाउस कंपटीशन या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन आप लोगों ने सुना होगा कि दो यूनिवर्सिटीज के बीच का कंपटीशन होता है इंटर यूनिवर्सिटी, ऐसे ही दो सेल्स के बीच का जो जगह होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, और जो दो सेल्स के बीच का जो होता है प्रेजेंट जहाँ पे जगह, मतलब जो भी आयन्स, उसे हम लोग बोलते हैं इंटर सेलुलर आयन्स या एक्स्ट्रा सेलुलर आयन्स। ठीक है, और इंट्रा यानी सेल्स के अंदर होता है, बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग देखो कि फंक्शन ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन, वही K+, Na+, सोडियम पोटेशियम आयन्स, ये सबका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, फिर पढ़ना हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी, फिर रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या यूज है ये आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा फिर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे फिर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, KCl, NaCl वगैरह, क्योंकि देखो अगर NaCl है आप इसको लेते हैं तो इसमें Na+ आयन भी आपको मिलता है, Cl- भी मिलता है अगर कमी हो बॉडी में। ठीक है, ऐसे KCl हो गया, K+ वहाँ से मिलेगा, फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हो गया ORS, इसका देखो एग्जाम्पल मार्केट में या मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉल नाम से स्पेलिंग ही होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO इसमें KCl होता है, NaCl होता है, NaSCO3 होता है, ग्लूकोज या डेक्सट्रोज होता है, 1 लीटर पानी में इसको डिजोल्व करके बॉडी में इनकॉर्पोरेट करना होता है, जो कि
नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, देखो यार कि है ओ आर एस, ओरल यानी ओरली आपको इंटेक करना है, रिहाइड्रेशन यानी अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गई है पानी की कमी या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी, तो रिहाइड्रेट पुनः मतलब फिर से उसको हाइड्रेशन करने काम आता है। और सॉल्ट यानी इसमें बेसिकली सॉल्ट वगैरह होते हैं, देखो मेजरली के सी एल एन ए सी एल ये सब हो गया, ठीक है इसे बोलते हैं ओ आर एस। ठीक है इलेक्ट्रोल नाम से आप देख लोगे ग्रीन कलर का पैकेट आता है, ये डिहाइड्रेशन में डिसेंट्री में या डायरिया के केस में यूज होता है, जब ज़्यादा जैसे डायरिया डिसेंट्री में क्या होता है आपका फ्लूड जो है फ्लूड के रूप में स्टूल पास होता है, मतलब एक्सेस वाटरी फ्लूड टाइप का, तो उसमें आपका मेजर जो आयन्स इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, मतलब लॉस हो जाते हैं बॉडी से, तो उसको दोबारा गेन करने के लिए ये लिया जाता है। ठीक अब हम लोग बात करते हैं, देखो एक यहाँ पे यही थोड़ा एक और टॉपिक है फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, ये भी इसमें हम लोग पढ़ लेंगे कि एसिड बेस बैलेंस का फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या है उसको ये पढ़ना है। ठीक है फिर डेंटल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हम डेंटल में यूज़ करें यानी अपने टीथ में यूज करें, ठीक है जैसे डेंटिफाइसेस, जैसे पहले डाबर का एक पाउडर टाइप का आता था, बॉटल टाइप में रहता था, उसमें पाउडर फॉर्म में रहता था वो अप्लाई कर किया जाता था पहले, ऐसे ही फिर रोल ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड का ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल केरीज में, डेंटल केरीज में आपका फ्लोराइड का क्या रोल है, कैसे ट्रीटमेंट में हेल्प करता है ये आपको पढ़ना होगा। जैसे आप देखेंगे कोलगेट वगैरह में लिखा रहता है कि कंटेनिंग फ्लोराइड्स, ठीक है तो ये सब क्या होता है कि आपके जो टीथ को है वो जो कैविटीज वगैरह लगी रहती हैं उसको हटाता है और थोड़ा सा अच्छा प्रोटेक्शन लेयर फॉर्म करता है। ठीक है और काफ़ी स्ट्रांग होता है ये लेयर जो बनाता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे इसमें कुछ कंपाउंड आपको पढ़ने होंगे जैसे, और इसी में एक टॉपिक डीसेंसिटाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है इसके बारे में हम लोग सब डिटेल पढ़ेंगे। और कंपाउंड जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम फ्लोराइड एंड वही फ्लोराइड को यहाँ आ गया सोडियम फ्लोराइड और जिंक योगिनॉल सीमेंट, ठीक है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं होप करता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, अगर उस समय दिख नहीं रहा था थोड़ा सा, अगर उस समय दिख नहीं रहा हो आपको थोड़ा सा तो आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा एक बार, अब मैं जूम कर दिया हूँ इस बार दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं अगला। अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड यूनिट का, बस आप ध्यान से मुझे सुनते चलिए कि मैं क्या बता रहा हूँ सिलेबस में क्या क्या है, बस इतना, और ज़्यादा आपको कुछ उसमें अलग से बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या ये क्या है वो क्या है, अच्छे से हम लोग पूरी डिटेल में उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है तो अब देखो यूनिट थर्ड की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा नया लुक देते हैं ब्लू कलर। ठीक अब देखो यूनिट थर्ड में हमारा है पहला टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, तो एजेंट या सब्सटेंसेस, ऐसे एजेंट या सब्सटेंस जो कि हमारे उनका जो मोड ऑफ एक्शन या जो टारगेटेड ऑर्गन हो जहाँ पे उनको वर्क करना हो वो हो गैस्ट्रिक यानी स्टमक हो, गैस्ट्रो से गैस्ट्रिक लिया गया स्टमक, इंटेस्टाइनल से स्मॉल इंटेस्टाइन या तो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है यानी जो कि आपका स्टमक में या तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में हो, जो ड्रग अपना एक्शन या वहाँ पे डिजॉल्व या डिसइंटीग्रेट मतलब बेसिकली जहाँ पे अपना एक्शन शो करे उसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, या जो भी प्रॉब्लम हो अगर इससे रिलेटेड गैस्ट्रिक में या इंटेस्टाइन में वहाँ यूज़ किया जाता है ये सब एजेंट्स। ठीक है इसमें देखो चार चीज़ आपको पढ़ना होगा, एक है आपका एसिडिफायर, चार का एक और एक्स्ट्रा पांच है, देखो एसिडिफायर एंटासिड कैथार्टिक्स, कैथार्टिक्स हो गए और एक फिर आपका एंटी माइक्रोबियल, हाँ चार ही है। ठीक है एक्सपेक्टरेंट में देखो तुम्हारे पांच, ठीक है फिर एंटी माइक्रोबियल्स, माइक्रोबियल्स देखो अब एसिडिफायर क्या है, ऐसे सब्सटेंस है जो कि एसिड का अमाउंट या सिक्रेशन बॉडी में इंक्रीज कर दें, ये देखो इंक्रीज कर देते हैं इन्हें एसिडिफायर कहते हैं, इन्हें एसिडिफाइंग एजेंट भी कहते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट। इसमें जैसे हमारे स्टमक में क्या होता है एसीएल होता है जिसका पीएच होता है क्या 1.8, तो अगर मान लो किसी कारण से अगर बॉडी में जो एसीएल है वो सिक्रेट नहीं हो पा रहा होगा ज़्यादा क्वांटिटी में या तो एकदम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग एसिडिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो डाइजेशन के लिए प्रॉपर एसीएल का होना जरूरी है। ठीक है और ये तुम्हारा एसीएल ही जो है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है। ठीक है तो देखो तो ये एसिडिफाइंग एजेंट दो केस में हम लोग देते हैं, एक क्लोरहाइड्रिया वही जो मैं बताया आपको इसको एक स्पेसिफिक टर्म बोला जाता है, एक क्लोरहाइड्रिया मतलब अगर एसीएल एब्सेंट हो मतलब प्रेजेंट ना हो एसिड, या तो डी क्लोरहाइड्रिया, ठीक है डी क्लोरहाइड्रिया यानी अमाउंट जो है एसीएल का एसिड का वो बॉडी में कम हो, ठीक है उसे डी क्लोरहाइड्रिया कहते हैं। एक होता है कि हाइपर क्लोरहाइड्रिया, उसमें क्या होता है कि हाइपर मतलब क्या ज़्यादा मतलब अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, उस केस में हम लोग एंटा एसिड देते हैं जो यहाँ मेंशन है। ठीक है तो एसिडिफायर जो होता है या एसिडिफाइंग एजेंट दो केस में देते हैं, एक क्लोरहाइड्रिया या तो डी क्लोरहाइड्रिया में, और एंटा एसिड देते हैं हमारा हाइपर क्लोरहाइड्रिया में, हाइपर क्लोरहाइड्रिया मतलब कि जहाँ पे एसिड का अमाउंट ज़्यादा सिक्रेट होने लगे
या तो हार्ट बर्न वगैरह हो गया, या तो फिर आपको इम्प्रॉपर डाइजेशन वगैरह फूड लेने के बाद ये सब ठीक है, या एसिडिटी कंडीशन वगैरह हो गई, इन सब में एंटासिड लेते हैं। अब एसिडिफायर के एग्जाम्पल तो मेंशन किया है तुम्हारे में यहाँ पे डाइल्यूट एस सी एल और अमोनियम क्लोराइड, स्टार मार्क्ड है यानी कि आपको इसका ऐसे पढ़ना होगा। तो इसका एग्जाम्पल दो एस सी एल, क्योंकि बॉडी में देखो यहाँ पे एस सी एल है, तो एस सी एल की कमी है तो एस सी एल रिलेटेड कंपाउंड दोगे तुम, तो डाइल्यूट एस सी एल दोगे या तो फिर एन एच फोर सी एल दोगे, अमोनियम क्लोराइड। अब एन एच फोर सी एल में सोचोगे एच सी एल कहाँ है, इसको ब्रेक करो, इसको फॉर्म होता है एन एच थ्री और एस सी एल, देखो तो ये वाला एस सी एल आ गया, इसमें कंटेन करता है, तो हम लोग इसको दे सकते हैं ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एंटा एसिड, मैं आपको बता चुका हाइपरक्लोराइडिया, एसिडिटी या हार्ट बर्न या इम्प्रॉपर डाइजेशन या इन सब के रिलेटेड देते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल नॉर्मल मार्केट में आपको मिल जाएगा इनो नाम से, इनो जो कि ग्रेनुलेटेड पाउडर का फॉर्म है, पाउडर फॉर्म है, डोजे फॉर्म अगर आप बात करेंगे, जो कि आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे आपको। तो इनो वगैरह हो गया क्या है, ये देखो जो आपका एंटा एसिड है ये बेसिक नेचर का होता है, तो जितने भी बेस हो गए जैसे आपका हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया एम जी ओ एच का होल टू, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया होल थ्री ठीक है, और सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया, ये सब आपका इसमें आएगा एंटा एसिड में। देखो लिखा भी होगा यहाँ पे सोडियम, देखो बाई कार्बोनेट लिखा है यहाँ पे, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, जितना भी देखो बेस में क्या है ओ एच ग्रुप लगा रहता है, जैसे के ओ एच, एन ए ओ एच, सी ओ एच का होल टू, ये सब आपका बेसिक मिक्सचर है ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर कंपाउंड दिया गया है जो कि यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एंटा एसिड ग्रुप में ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा गया कि आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटा एसिड, एंटा एसिड की हम लोग को आइडियल प्रॉपर्टी भी पढ़नी होगी, क्या क्या उसकी आइडियल प्रॉपर्टी है, जैसे एंटा एसिड चाहे जो ही तो दो नहीं दे नहीं दोगे बॉडी में, कि मान लो ऐसा कुछ एंटा एसिड दे दिए जो कि आपका फूड आप ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने में या कोई प्रॉब्लम कॉज करने लगे ठीक है, तो ऐसा तो आइडियल प्रॉपर्टी उसकी है नहीं। तो या तो फिर ऐसा मान लो सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होकर एल्कोलोसिस कॉज करने लगे, यानी कि बेसिक नेचर बढ़ाने लगे, तो वो भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है ठीक है। तो ये सब उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए ठीक है, मतलब इजीली एब्जॉर्बेबल होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल इजीली आपका इफेक्ट शो करे लॉन्ग टाइम तक, ये सब होना चाहिए, फास्ट एक्शन इंस्टेंट एक्शन हो, ये सब प्रॉपर्टीज उसकी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड, देखो कभी कभी क्या होता है कि एंटा एसिड को हम लोग अलोन यानी सिंगल फॉर्म में उसके लोनली फॉर्म में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्यों, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूँ एन एच सी ओ थ्री जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, काफ़ी फेमस एंटा एसिड है, तो ये क्या है कि अगर मैं इसको एलोन दूंगा बॉडी में तो क्या कॉज करेगा, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्बल यानी सिस्टमिक नेचर का होता है, जो कि एल्कोलोसिस कॉज करने लगता है। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, एल्कोलोसिस कॉज करता है, अगर नहीं दिखा थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ ठीक है। देखो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, तो एल्कोलोसिस कॉज करने लगता है एन ए एच सी ओ थ्री, तो इसको क्या है? सिंगल फॉर्म में एलोन फॉर्म में नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या करेंगे इसका सोल्यूशन के लिए एल्जीनिक एसिड को कंबाइन कर देंगे, इसके साथ एल्जीनिक एसिड देने लगेंगे, तो क्या होगा ये एल्कोलोसिस को डिक्रीज कर देगा, और आपका जो ये एब्जॉर्प्शन जो इसकी नेचर है मतलब सिस्टमिक जो नेचर इसका इसको कम कर देगा ठीक है। तो ये वो कम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड। अब हम लोग बात करते हैं कैथार्टिक्स के बारे में ठीक है, कैथार्टिक एंटीमाइक्रोबियल, ये अगर कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट ठीक है। तो बात करते हैं, थोड़ा सा यार बोलते बोलते थोड़ा सा गला सूख रहा है, रिहाइड्रेशन मांग रहा है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। देखो ये देख रहा हो इस पे लिखा है ड्रग्स, मुझे तो मान लो इधर से उल्टा दिख रहा है, आप लोग कमेंट में करके बताओ मेंशन ये क्या लिखा है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। इस पे लिखा है ड्रग्स आर माई लाइफ, आई एम फार्मासिस्ट, देख रहा हो यार, थोड़ा सा आप लोग भी अपने अराउंड जो है थोड़ा ऐसे रखा करो, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करें आपको काम करने से ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ पे ये रखा हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बाकी यहाँ से ऐसे सिस्टम बना सके हम लोग ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग बात करते हैं, देखो कैथार्टिक्स क्या है ठीक है, कैथार्टिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, या देखो हर चीज़ में एजेंट वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो एनी सब्सटेंस कंपाउंड एजेंट विच कैन बी यूज ठीक है, ये देखो इतनी इंग्लिश तुम कॉमन लिख सकते हो सब में, तो किस कैटेगरी के लिए यूज होता है, देखो विच इज़ यूज इन द केस ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हिंदी अगर मैं बात करूँ तो हिंदी इसका होता है कब्ज, यानी कि अगर कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि ईजिली जो आपका है ईजली पासेज जो होता है आपका स्टूल वो नहीं होता है, नहीं मतलब नहीं होता ईजली पासेज स्टूल का नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन ठीक है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई रीजन्स हो सकते हैं, उसमें हम लोग बात अभी नहीं करेंगे उसका, जब जब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तब इसका मैं कारण वगैरह बताऊंगा आपको। जैसे इसके कारण हेमोरॉयड हो जाता है, हेमोरॉयड एक मेडिकल टर्म है, पाइल्स इसको अगर हम लोग जनरली बोल रहे हैं, हिंदी में बवासीर बोलते हैं ठीक है, तो इन सब केसेस हम लोग देते हैं इसको कि प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, कि इजिली जो स्टूल है हमारा बॉडी से वो पास हो जाए ठीक है।
तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखो, और कैथार्टिक तीन नेचर का होता है, एक होता है पहले लैक्जेटिव, लैक्जेटिव, दूसरा होता है परगेटिव, तीसरा होता है कैथार्टिक्स। तो लैक्जेटिव थोड़ा माइल्ड प्रॉपर्टी रखता है, थोड़ा सा वीक नेचर का होता है ये, एक्यूट अगर हुआ है कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब तुरंत हुआ है अगर कम वाला ही, तो हम लोग लैक्जेटिव देते हैं, अगर थोड़ा उससे ज़्यादा स्ट्रांग है परगेटिव देते हैं, इसमें अमाउंट बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, और थोड़ा सा स्ट्रांग नेचर का होता है, और कैथार्टिक सबसे स्ट्रांग नेचर का होता है। ठीक है, अगर इसका मैं ऑर्डर बात करूँ मतलब स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो लैक्जेटिव सबसे कम, फिर परगेटिव, फिर कैथार्टिक, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा कैथार्टिक होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, कैथार्टिक्स का यहाँ पे मेंशन है मैग्नीशियम सल्फेट, जितने भी सॉल्ट हो गए आपके, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम ऑर्थो फॉस्फेट हो गया, सोडियम ऑर्थो फॉस्फेट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और ऐसे केओलिन एंड बेंटोनाइट यहाँ मेंशन है, हालांकि इतना इसमें यूज नहीं किए जाते हैं, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो बताऊंगा ये सब किस प्रॉपर किस वाले कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में दे दिया गया है, हालांकि थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे लास्ट एंटी माइक्रोबियल, तो एंटी यानी क्या, अपोजिट नेचर, माइक्रोबियल यानी माइक्रोब के, तो ऐसे सब्सटेंसेज जो कि माइक्रोब के नेचर के अपोज, उनके नेचर को अपोज करें, उनके ग्रोथ को स्टॉप करें, या तो उनको किल कर दें, उन्हें एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं हम लोग एजेंट्स। ठीक है, जैसे कि देखो अगर हम मार्केट में देखें तो दो टाइप का ड्रग आता है, अगर बेसिकली बात करें बैक्टीरिया से रिलेटेड, एक होता है बैक्टीरियो स्टैटिक, एक होता है बैक्टीरियो साइडल। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टॉप करना है, तो इसमें क्या होता है बैक्टीरियो स्टैटिक में, कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, और बैक्टीरियो साइडल में क्या होता है, उसके बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे साइडल वर्ड मतलब सुने होंगे इन्फेंटिसाइड, फिटीसाइड वगैरह, तो उसमें किलिंग टर्म होता है। ठीक है, तो यह क्या है, इसमें मैकेनिज्म पढ़ना कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, कैसे स्टॉप करते हैं ग्रोथ को या कैसे किल करते हैं, उनका मैकेनिज्म पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे पढ़ना है पोटेशियम पर, हर में आपको देखो एग्जाम्पल दो से तीन चार के करीब एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें से एक या दो पे आपको स्टार मार्क मिल जाएगा, जिसमें आपको ऐसे बताना होगा आपका। ठीक है, तो इसका KMnO4 हो गया, बोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ H2O2, देखो उस पर स्टार मार्क है, क्लोरिनेटेड लाइम हो गया, आयोडीन हो गया, इट्स प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, ये सब तुम्हारे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4, मिसलेनियस कंपाउंड्स। ठीक है, विविध कंपाउंड्स, कंपाउंड की हिंदी जो भी होता हो, बाकी मिसलेनियस की तो विविध मुझे पता है, तो ठीक है, तो मिसलेनियस थोड़ा सा कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग देखो ये कंपाउंड है। पहला देखो इसमें है एक्सपेक्टोरेंट, थोड़ा सा इरेज करता हूँ कि थोड़ा सा क्लियर हो, काफ़ी जगह हो गया इधर। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना दिया हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सिलेबस इतना तगड़ा है तो पढ़ने में भी कितना मजा आएगा, बहुत लोग सोच रहे हैं बहुत हार्ड है, तो हार्ड वगैरह कुछ नहीं है यार, इंटरेस्ट देखो जगाना होता है किसी भी चीज़ में। ठीक है, पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट देखो आ जाता है किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ठीक है चलो करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए। तो स्पेक्टोरेंट क्या है, देखो ऐसे सब्सटेंसेस या एजेंट विच इज़ यूज टू इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ द स्पूटम बाई लिक्विफाइंग इट और बाई थिनिंग इट और बाई इंक्रीजिंग द सिक्रेशन थ्रू द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द यू नो म्यूकस मेम्ब्रेन्स। ठीक है, मतलब इतना इंग्लिश लंबा चौड़ा कोई मतलब नहीं है जो मैं बोला, देखो सुना समझाता हूँ हिंदी में क्या है स्पेक्टोरेंट। देखो खांसी की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली दो टाइप की होती है कफ जो होता है। ठीक है, एक ड्राई कफ होता है, एक वेट कफ होता है। जो ड्राई वाला होता है उसमें हम लोग देखो एक टर्म यूज करते हैं एंटी टसिव्स। ठीक है, इसे हम लोग कफ सप्रेसेंट भी बोलते हैं, ये हम लोग इसमें यूज करते हैं टर्म, या ये रिलेटेड कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है, और जो वेट कफ में यूज करते हैं उसे हम लोग एक्सपेक्टोरेंट करते हैं, जो कि क्या करता है बलगम को बढ़ा देता है। बलगम की इंग्लिश होती है स्पूटम। देखो जैसे हम लोग जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो निकलता है ना स्पूटम टाइप, तो वो क्या है वो आपका इंक्रीज कर देता है, जैसे कभी कभी निकलने में प्रॉब्लम होता है उसको, मतलब अगर हम लोग वो करेंगे थोड़ा सा मतलब खांसी वगैरह खराश वगैरह इफेक्ट है थोड़ा सा, तो कभी कभी जल्दी नहीं पास होता है बॉडी से, तो उसको उसका सिक्रेशन अगर इंक्रीज कर देगा तो क्या है इजिली कंटेंट बढ़ जाएगा उसका, तो ईजिली पास हो जाएगा। ठीक है, या तो इंक्रीज करेगा सिक्रेशन या तो उसको लिक्विफाई कर देगा थोड़ा सा, अगर मान लो कोई चीज़ थिक है यहाँ पे जमा हुआ है निकलने में उसको दिक्कत होगा आप निकालेंगे तो, है कि नहीं, अगर वही अगर थोड़ा सा इजिली लिक्विड फॉर्म में तो अगर आराम से उसका फ्लो हो जाएगा, विस्कोसिटी अगर कम रहेगी ठीक रहेगी। ठीक है, अच्छा विस्कोसिटी मतलब आप क्या समझते हैं, देखो विस्कोसिटी का हम अभी मत रिलेट करना। ठीक है, अभी मैं इसका तुम्हारा थिक और थिन से बात कर रहा हूँ, विस्कस क्योंकि देखो होता है कि विस्कोसिटी यानी कितना कोई चीज़ फ्लोएबल है, विस्कस कितना है। ठीक है, वो बात होती है। तो हम लोग देखते हैं ये हो गया इसका एग्जाम्पल, देखो पोटेशियम आयोडाइड पढ़ना है यानी KI हो गया, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आप लोग को कुछ याद आ रहा है
NH4Cl जो है वो आपका एसिडिफाइंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, यानी एसिडिफायर की तरह और एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछ लिया मान लो एग्जाम में कि NH4Cl के बारे में बताओ, तो आप पूछ लिया मान लो एक्सपेक्टोरेंट में बताओ, तो कुछ नहीं है, सेम वही मेथड प्रिपरेशन प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे वगैरह लिखेंगे, बस जो कैटेगरी लिखेंगे। अगर एक्सपेक्टोरेंट पूछा है तो कैटेगरी में एक्सपेक्टोरेंट डाल दीजिएगा, अगर पूछा रहेगा कि एसिडिफाइंग एजेंट बताओ तो कैटेगरी में इसका एसिडिफाइंग एजेंट डाल देना बस, ठीक। तो आपको देखो दो कंपाउंड मतलब एक कंपाउंड दो में है तो आपको एक कंपाउंड कम पढ़ना पड़ा, ठीक है, एक तैयार करेंगे दो दो का काम हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इमेटिक्स। इमेटिक्स देखो क्या होते हैं, ऐसे एजेंट या सब्सटेंस या ड्रग जो कि वोमिटिंग कॉज करें, वोमिटिंग कॉज करें। अब वोमिटिंग लाने की ज़रूरत क्यों है, आप ये तो सुने कि वोमिटिंग को रोका जाता है ना। इतना लंबा आपका लेक्चर हो रहा है, आप लोग भी थोड़ा पानी वगैरह साथ लेके बैठिए। तो देखो, तो वो मैं बता रहा था कि देखो ये सुने होंगे कि ऐसे ड्रग आते हैं जो कि वोमिटिंग को रोकते हैं, अगर ज़्यादा वोमिट हो रहा है तो उल्टी वगैरह आ रही है तो ना, उसे हम लोग बोलते हैं एंटीमेटिक्स। किसी भी चीज़ में एंटी लगा दें यानी अपोजिट नेचर, तो इमेटिक्स अगर वोमिट कॉज कर रहा है तो एंटीमेटिक्स क्या करेगा, वोमिट को रोकेगा। तो मार्केट में एंटीमेटिक्स ड्रग्स आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे आप वोमिट कॉज करने के लिए क्यों ड्रग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग देखो पॉइजन के केस में वगैरह में देते हैं, ठीक है, पॉइजन पॉइजनिंग केसेज जितने हो गए, जैसे अगर मान लो कोई पॉइजन वगैरह खा लिया बाई मिस्टेक हो सकता है, एक्सीडेंटल मतलब चांस में, बाई द वे चांस में गलती से हो गया, बॉडी में चला गया, या तो फिर कोई लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने चक्कर में जानबूझ के कर खा लेते हैं, हालांकि ये सब करना नहीं चाहिए। तो क्या है कि इन सब केसेस में देखो यूज होता है, ठीक है, पॉइजनिंग केसेस में क्या है, अगर आप पॉइजन वगैरह अगर बॉडी में चला गया तो उसको तुरंत एक्यूट पॉइजनिंग है खासकर, या नहीं बहुत पहले का एक्यूट है, नहीं होता है तुरंत। तो अगर तुरंत मान लो पॉइजनिंग हुआ है, कोई आदमी गलती से खा लिया हो, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इमेटिक्स लेते हैं कि ताकि उल्टी हो जाए और बाहर वो हम उसको निकाल सकें, एब्जॉर्ब ना हो उसके हमारे सिस्टम सर्कुलेशन में, ठीक है। और देखो हर समय इमेटिक्स नहीं दे सकते कि पॉइजन है तो आप इमेटिक्स दे दिए, जैसे कुछ केसेस में नहीं दिया जाता है, जैसे मान लो कोई हाइजाइडस केमिकल वगैरह कोई पी लिया हो, मान लो जैसे HCl कोई पी लिया हो, अब तुम उसे मान लो बॉडी में चला गया, अब इमेटिक्स दे दिए, वो उल्टी कर दिया, अब क्या है इतना वो कोरोसिव नेचर का होता है तुम्हारे जो ट्रैक रिस्पिरेटरी जो ओएसोफेगस वगैरह है, फेरिंग्स वगैरह, ये जितने ट्रैक है वो सब जलाते हुए बाहर आ जाएगा ना, है कि नहीं, लाइनिंग वगैरह सब खराब कर देगा। इसलिए हम लोग को सब केसेस में नहीं दिया था, जैसे कोई पेशेंट कोमा में है तो उसको नहीं देंगे, डिप्रेशन डिप्रेशन कोई है तो नहीं देंगे, अगर ये हैजार्डस केमिकल कोई है जो कि कोरोसिव नेचर का पी लिया हो तो उसमें नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिटेल में अच्छे से बात करेंगे कि वोमिटिक्स कब देना है, क्या है वोमिटिक सॉरी इमेटिक्स क्या है, कब देना है कब नहीं देना है, क्या क्या एग्जाम्पल है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ऐसे हर कंपाउंड के बारे मतलब हर वो जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे स्पेक्ट्रोवेंट कैटेगरी इमेटिक्स मेटनिक्स पॉइजन एंटीडोट एस्ट्रिंजेंट सबके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा इरेज करता हूँ, बस हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट है लगभग, अब कुछ तो आपको आइडिया लगा ही होगा इसके बारे में। अगर आप इतना बस पहले बस कॉलेज जैसे अगर आपका मान लो ओपनिंग है मतलब पहला दिन है और आप बस सिलेबस देख के जा रहे हैं, नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं कि फर्स्ट चैप्टर भी तैयार करके चले जाएंगे, तो बहुत इतना तुम बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें बात करूँ तो आप देखो तुम्हारे ऊपर कर भी सकते हो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा कैपेसिटी कैपेबिलिटी है तो क्या करना, बस तुम कम से कम एटलीस्ट सिलेबस अगर कवर करके जा रहे हो ना, तुम्हें एक सिलेबस एक यूनिट तो कम्प्लीट नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हें पूरा कम्प्लीट कर रहा हूँ। अगर पूरा देख के जा रहे हो तुम्हारे ब्रेन में पूरा आइडिया रहेगा कि पढ़ना क्या है, टीचर के सामने अगर तुम इतना प्रेजेंट कर दिए, अगर पूछ लिए क्या है ना, लगेगा यार तुम पहले से ही पढ़ कर आए हो साल, लेकिन ऐसा कुछ रहेगा नहीं, बस तुम नॉलेज के बेसिस पे इतना तुम स्ट्रांग हो सकते हो, ठीक है। तो इमेटिक्स में बात कर रहा था, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, देखो कॉपर सल्फेट हो गया और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, ये तुम्हारा इमेटिक्स के एजेंट्स हैं, ठीक है, जो कि वोमिटिंग कॉज करते हैं, ठीक। अब देखो हिमेटिनिक्स क्या है, हिमेटिनिक्स में हीम वर्ड आता है, हीम मतलब क्या, आयरन कंटेनिंग, ऐसे सप्लीमेंट जो कि आयरन कंटेन करें, जैसे फेरस सल्फेट हो गया, फेरस ग्लूकोनेट हो गया, फेरस फ्यूमरेट हो गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी देखो मेंशन है, देखो तो ये देखो ये रहा फेरस ग्लूकोनेट फेरस सल्फेट, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, अगर रेड ज़्यादा हो रहा है तो येलो कलर कर देता हूँ, देखो अच्छा ब्लू कर देता हूँ, देखो तो फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है, फेरस फ्यूमरेट हो गया, फेरिक फेरिक अमोनियम अमोनियम सिट्रेट हो गया, ये सब देखो जिसमें आयरन कंटेनिंग है वो हिमेटिनिक्स होगा, ठीक है। हीम यानी आयरन होता है, इसका देखो यूज कहाँ होता है हिमेटिनिक्स का, ऐसा आयरन सप्लीमेंट, अगर मान लो बॉडी में आयरन की कमी हो रही है किसी भी कारण से, ड्यू टू नॉट प्रॉपर डाइजेशन या नॉट प्रॉपर इनटेकिंग या कोई भी कारण से, तो हम लोग हिमेटिनिक्स का यूज करते हैं, आयरन का जो अमाउंट है वो बेसिकली बना रहे हैं। यही देखो हम लोग इसमें है ना पढ़े थे, ऊपर में बात किया था कि फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है बॉडी में,
तो ये भी सब एक इलेक्ट्रोलाइट्स है Fe प्लस टू जो है आपका, ठीक है। तो और इसमें या तो एनीमिया के केस में देते हैं, एनीमिया यानी क्या, बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी है, जैसे कोई भी ब्लड सेल RBC WBC प्लेटलेट वगैरह की कमी है बॉडी में, कोई भी ब्लड सेल का, तो एनीमिया कंडीशन होगा, ठीक है। अगर RBC की कमी है तो इरेथ्रोसाइटोपिनिया होगा, अगर ज़्यादा है RBC तो पॉलीसाइथीमिया होगा। ये सब कुछ टर्म्स हैं, बेसिकली आप HAP में पढ़ेंगे, जिसको भी आपको विशाल मिश्रा जो आपके हैं ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, हेमेटिनिस आपको कंप्लीट हो गया होगा। पॉइजन एंटीडोट, देखो मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि पॉइजन क्या है, एंटीडोट क्या है, एक बार फिर से रिमेम्बर करा देता हूँ। देखो पॉइजन क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो कि आदमी को डेथ कॉज करे, इलनेस कॉज करे, या तो नॉर्मल फिजियोलॉजी को उसके अल्टर कर दे, वो तुम्हारा पॉइजन होता है, ठीक है। पॉइजन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बॉडी थ्रू मेनी प्रोसेस, सच एज इनहेलेशन के माध्यम से भी, मतलब थ्रू इनहेलेशन आप पॉइजन बॉडी में जा सकता है, ओरली जा सकता है, पेरेंटल जा सकता है, कोई भी इसका हो सकता है, ठीक है। इनहेलेशन जैसे कुछ पॉइजन जैसे वो इनहेल करके होता है बॉडी में, ठीक है, स्नफ वगैरह कुछ पॉइजनिंग टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसका एंटीडोट क्या है कि अपोजिट नेचर का जो पॉइजन का होगा, जो काउंटर एक्ट करे, यानी काउंटर इफेक्ट है, काउंटर एक्ट करे पॉइजन का नेचर का, वो एंटीडोट है उसका, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो एंटीडोट होता है, ठीक है, एंटीडोट ना कि एंटी टोड, ठीक है, एंटी टोड नहीं होता है, एंटीडोट होता है, इसको याद रखना, क्योंकि काफ़ी लोग के काफ़ी लोग के प्रोनाउंसिएशन में मैं सुना हूँ, तो एंटीडोट को एंटीडोट, एंटीडोट को एंटीटोड बोलते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा होमोफोन्स टाइप के सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये एंटीडोट हो गए, जो कि एंटीडोट हो गए, जो कि तीन प्रकार के होते हैं, फिजिकल नेचर के, केमिकल नेचर के, और फिजियोलॉजिकल नेचर के। फिजिकल का नेचर का एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ये क्या करता है, पॉइजन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। और केमिकल नेचर का होता है जैसे सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, ये क्या करता है, तुम्हारा केमिकल नेचर को चेंज कर देता है, ठीक है, पॉइजन के केमिकल नेचर को चेंज कर देता है। ऐसे जो फिर फिजियोलॉजिकल जो नेचर है पॉइजन एंटीडोट का, ये क्या करता है, आपके फिजियोलॉजी को चेंज कर देता है आपके पॉइजन का। इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम नाइट्राइट NaNO2। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेंशन होगा, दिखाता हूँ, ये देखो थोड़ा सा इरेज करता हूँ, देखो हाईलाइट करता हूँ इस बार, देखो पॉइजन एंटीडोट की बात कर रहे हैं हम लोग, सोडियम थायोसल्फेट में बताया ये किस कैटेगरी में एंटीडोट क्या आता है, सोडियम थायोसल्फेट केमिकल नेचर के, फिर एक्टिवेटेड चारकोल मैकेनिकल यानी फिजिकल नेचर के, और सोडियम नाइट्राइट जो एंटीडोट है आपका वो फिजियोलॉजिकल नेचर के, ठीक है। ये पॉइजन के फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है उसके अगेंस्ट, इसको अपोज कर देता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अब साइनाइन पॉइजनिंग ये सब वगैरह डिस्कस करेंगे हम लोग काफ़ी डिटेल में। अब हम लोग थोड़ा बात किया जाए, देखो यहाँ पे पॉइजन एंटीडोट हो गया, लास्ट टॉपिक यहाँ बचा है 4th यूनिट का, एस्ट्रिंजेंट्स क्या है। देखो अब मैं एस्ट्रिंजेंट थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे आपको लिख के, एस्ट्रिंजेंट्स, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट क्या है, देखो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सरफेस प्रोटीन का PPT यानी प्रेसिपिटेशन कॉज करें, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कॉज करें, ठीक है। ऐसे एजेंट्स यहाँ लिख लो, ऐसे एजेंट सब्सटेंस जो कि सरफेस प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन कॉज करें, जैसे एग्जांपल देखोगे कभी हमें माइनर कट वगैरह लग गया, ठीक है, माइनर कट है या तो वाउंड वगैरह है, चोट वगैरह लगी है, ब्लीडिंग हो रहा है मान लो थोड़ा बहुत, तो हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रिंजेंट लगा लेते हैं। एस्ट्रिंजेंट नहीं सुने होगे तुम, सुने होगे आप लोग एलम यानी फिटक्री सुने होगे, ठीक है, फिटक्री के बारे में, ये एक एग्जाम्पल है एस्ट्रिंजेंट का, जो कि क्या करता है, आपके सरफेस का जो प्रोटीन होता है उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, थिन पतले पतले फाइन कैपिलरीज फॉर्म कर देता है, जिसके कारण फिर जो ब्लड रिलीज होता है वो मतलब रुक जाता है, स्टॉप कर लेता है, ठीक है। तो इसका उसको पोटाशियम भी बोलते हैं फिटक्री को, ठीक है। अच्छा फिटक्री देखो बेसिक तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, ठीक है, पोटाशियम, मैं इसको बोल देता हूँ पोटाशियम अल्मोनियम सल्फेट बोलते हैं, इसका थोड़ा मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के बताना, तो कि पोटाशियम का फॉर्मूला क्या है, देखता हूँ आपका बेसिक्स कितने क्लियर हैं, उसके हिसाब से देखो मैं अपना फर्दर लेक्चर्स रखूँगा ना, ये नहीं कि मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ा दिया आपको ये समझ के कि आपको आ रहा है, तो आपको नहीं आ रहा तो आप लोग बता ना पाए, इसलिए क्या है थोड़ा सा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, कि एलम का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देख लूँगा कहाँ तक है आपका बेसिक कितना क्लियर है, ठीक है।
तो एस्टिजेंट हो गया ये, देखो ये होस्ट टिश्यू का प्रेसिपिटेशन नहीं करते, मतलब अगर इसलिए क्योंकि इनका पेनिट्रेटिंग पावर जो है काफ़ी कम होता है। जैसे मान लो ये अगर आपका हैंड है ये तो इस हैंड पे अगर आप ऊपर मान लो ब्लीडिंग यहाँ हो रहा है, ब्लीडिंग थोड़ा सा कुछ डिजाइन बनाते हैं, रेड कलर थोड़ा करता हूँ, देखो मान लो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग एस्ट्रिंजेंट मान लो कोई ब्लू कलर का है यहाँ अप्लाई, ऐसे में एस्ट्रिंजेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। तो क्या करेगा इस, ये जो ब्लड निकल रहा है इसको रोक देगा, कैपिलरीज फॉर्म कर देगा, छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज, फाइबर टाइप ही देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड निकलना रुक जाएगा, लेकिन होस्ट टिश्यू मान लो अंदर कहीं चोट लगा एकदम मेन उसके बॉडी अपर सरफेस में नहीं, अंदर कहीं, ठीक है, डर्मिस वगैरह में, लेयर में स्किन के, तो क्या वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ऊपर इस सरफेस के प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। तो ठीक है, ये एस्ट्रिंजेंट इसका एग्जाम्पल देखो जिंक सल्फेट होता है और पोटासियम होता है, पोटासियम का फॉर्मूला लिख देना, जिंक सल्फेट का मैं लिख दिया हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, ठीक है। अब बात ये हो गया क्लियर आपका, मैं बात करता हूँ आपसे कि फाइनल यूनिट, यूनिट फिफ्थ, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ बाकी सब। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं, और कुछ अगर आपको नया जानने को मिला है तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट देखो आप लोग का मैं पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा सा कमेंट में भी आप लोग एक्टिव रहिए ताकि पता चलता रहे कि हाँ इंटरेस्टेड है आप लोग जानने में, पढ़ने में सब, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपना रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। देखो इसमें मैं आपको मेन पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इस इतने बड़े यूनिट में इंपॉर्टेंट क्या है। देखो दो ही चीज़ पूछता है मेजर, मेजरली जो है, चाहे वो AKTU के अफिलिएटेड कॉलेज या AKTU में हो पेपर में, या तो किसी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम वगैरह हो, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में जैसे, ठीक है। तो क्या है, स्टोरेज कंडीशन पूछ लेता है कि हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये पूछ लेगा, या तो फिर पूछ लेगा कि एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एप्लीकेशन क्या है फार्मेसी फील्ड में, ये पूछ सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है रेडियो फार्मास्यूटिकल, पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल है क्या ये जान लो। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी रखते हों और फार्मेसी लाइन में यूज हो सकें, किस लिए, एज अ पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, यानी किसी चीज़ को डायग्नोस करने में, पता लगाने में, किसी डिजीज़ वगैरह को या ट्रीट करने में, उसी को थेरापूटिक कहते हैं। थेरापूटिक वर्ड आप पढ़ेंगे, मेडिकामेंट, थेरापूटिक डोजेस फॉर्म, ये सब आप पढ़ेंगे उसमें फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। तो डायग्नोसिस पर्पस, ट्रीटमेंट पर्पस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस और स्टेरिलाइजेशन पर्पस में यूज करें ऐसा कोई सब्सटेंसेस, वो होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो डिफिनेशन क्या बना, द सब्सटेंसेस हैविंग रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी विच इज यूज इन द फार्मास्यूटिकल लाइन एज द एज द डायग्नोस्टिक पर्पस, ट्रीटमेंट पर्पस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस आर द स्टेरिलाइजेशन पर्पस इज नोन एज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। अब इसमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ना होगा आपको, रेस वगैरह, ठीक है, फिर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, गीगर मूलर कॉन्सेप्ट, ये सब वगैरह होता है इसमें। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन प्रॉपर्टी अल्फा बीटा गामा थ्री रेज होता है, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा आपको। फिर हाफ लाइफ क्या है, कि हाफ लाइफ है कि कितने टाइम में जो है अपना एक्टिव ओरिजिनल अमाउंट जो है वो हाफ कंज्यूम हो जाए, उसको बोलेंगे हाफ लाइफ किसी सब्सटेंस का। फिर रेडियो आइसोटोप क्या होता है, रेडियो आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप क्या, आइसोबार क्या है, सब बेसिक थिंग्स। फिर स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप, जैसे सोडियम आयोडाइड कंपाउंड I-131 के बारे में पढ़ना है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है आयोडीन का, ठीक है। तो अब हम लोग फिर बात करते हैं, देखो यहाँ मैं बताई दी स्टोरेज कंडीशन एप्लीकेशन, ठीक है। देखो अब तुम लोग थोड़ा सा, मैं हल्का सा लास्ट बात बस कंक्लूड करता हूँ इस वाले यूनिट में कि कैसे यूज किया जाता है इन लोग को। जैसे मान लो डायग्नोस्टिक पर्पस में, डायग्नोस्टिक पर्पस में अगर मैं देखूँ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल कैसे यूज होता है, जैसे आयोडीन 131 है तो ये यूज किया जाता है कि परसेंटेज कितना आयोडीन जो है आपका बॉडी में अपटेक है वो, और थायराइड जो ग्लैंड है आपका थायराइड ग्लैंड, उसका शेप साइज लोकेशन पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसी आयोडीन 131 का यूज, ये देखो डायग्नोस्टिक है, इसका डायग्नोस पता कर रहे हो कोई चीज़। अब यही वन इसका ट्रीटमेंट के रूप में भी यूज करते हैं, कैसे, मान लो कि उससे हाइपर थायरॉयडिज्म वगैरह कुछ हुआ है कंडीशन, हाइपो हाइपर थायरॉयडिज्म, इसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट थेरापेटिक हो गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर रिसर्च डेवलपमेंट में क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट में इसका 3D इमेजिंग क्रिएट करने का काम आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, टिश्यू वगैरह ऑर्गन वगैरह का। और लास्ट में चाहे आपका स्टेरिलाइजेशन, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन क्या है, किसी भी चीज़ को स्टेरिलाइज करना। स्टेरिलाइज क्या है, पाइरोजन फ्री, पाइरोजन फ्री मतलब क्या है, माइक्रोबियल फ्री, यानी किसी भी माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे उसे स्टेरिलाइज बोलते हैं, ठीक है।
वहाँ पे उनका ग्रोथ का चांस ना हो, प्रेजेंट ही ना हो लोग, ठीक है, वो स्टेलाइजेशन होता है। तब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो तुम्हारा रेस मैं बताया अल्फा बीटा गामा, इसमें से जो गामा रेस होता है उसके पास प्रॉपर्टी होता है एंटी माइक्रोबियल का, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल। तो ये तुम्हारा स्टेरिलाइजेशन पर्पस में यूज होता है, जो कि जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स जितने हो गए, सिरिंज वगैरह ये सब, उसमें उनको स्टेरिलाइज करने के लिए काम किया जाता है, गामा रेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं होप करता हूँ कि आपको पूरा एक बार यूनिट समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट में। ये देखो ये प्रैक्टिकल का मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रैक्टिकल का देखो कोड है BP110P। मैं बताया थ्योरेटिकल का टी था तो प्रैक्टिकल का पी हो गया, और BP बैचलर ऑफ फार्मेसी था, वन था 5 सेमेस्टर। अब यहाँ पूछोगे 10 क्यों हो गया, तो देखो मैं बताया था कि BP101T जो था आपका, ये था HAP का कोड, ठीक है, और टोटल सब्जेक्ट हमारे फर्स्ट सेम में कितने 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, तो लास्ट कोड कितना पहुँचा, BP106T। अब बताओ जब HAP पहला है तो HAP थ्योरेटिकल पहला है तो इसका प्रैक्टिकल भी पहला होगा, तो क्या हो जाएगा इसका कोड, BP106 के बाद 7 नंबर आएगा और टी की जगह पी हो जाएगा, तो HAP प्रैक्टिकल का 107P हो जाएगा। HAP के बाद क्या आता है आप बताइए, ये देखो ये प्रैक्टिकल का HAP हो गया। HAP के बाद क्या आता है, एनालिसिस आता है, एनालिसिस के बाद फार्मास्यूटिक्स आता है, सीटिक्स के बाद IPC आता है, ठीक है। अब देखो तो इसका क्या हो जाएगा, 108P हो जाएगा, इसका 109P हो जाएगा, और इसका तब IPC क्या हो जाएगा, 10 नहीं 1110 बोलते हैं ना, 1010 क्या होगा, 1200 हो जाएगा, 110P हो जाएगा, ठीक है, BP1010T, 1010P, यही कोड इसका यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। तो देखो प्रैक्टिकल में क्या है, कुछ खास नहीं, वो जो लिमिट टेस्ट आप लोग थ्योरी में पढ़े उसका आपको प्रैक्टिकल करना होगा, आयरन का, हैवी मेटल, लीड, आर्सेनिक का, ठीक है, और वही क्लोराइड और सल्फेट का, ठीक है। जनरली लीड वगैरह कराते नहीं है इसमें प्रैक्टिकल में, क्योंकि डबल एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन आपको आर्सेनिक भी छोड़ ही दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कराया जाता है, तो आयरन वगैरह कर सकते हो, सल्फेट क्लोराइड कर सकते हो, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना होगा आपको, इन इतने जो कंपाउंड मेंशन है इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना होगा, कि पता लगाना होगा कोई भी रिएक्शन करके कि कैसे पता चलेगा कि यही कंपाउंड पर्टिकुलर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर टेस्ट ऑफ प्योरिटी में जैसे स्वेलिंग पावर ऑफ बेंटोनाइट देखना होगा, बेंटोनाइट जो होता है ये तुम्हारा, हम लोग कहाँ भी पढ़े तुम बताओ, बेंटोनाइट हम लोग देखोगे देखे होगे तो कैथारेटिक्स में पढ़े थे अभी, वहाँ पर मैंसन किया गया है कैवलिन और बेंटोनाइट, ठीक है। तो क्या है कि बेंटोनाइट का एक प्रॉपर्टी होता है कि 1/12 टाइम्स, ये मतलब 12 टाइम ऑफ इट इक्वल, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम के 12 टाइम ये स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो ये सब वगैरह उसका स्वेलिंग पावर कितना, आइडियल प्रॉपर आइडियल पावर है स्वेलिंग का, ये सब पढ़ना होगा। बाकी न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी पढ़ना होगा, कितना न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी है, पोटेशियम आयोडाइड का डिटर्मिनेशन पढ़ना है इन पोटेशियम आयोडाइड में, ठीक है। फिर प्रिपरेशन करना होगा आपको बोरिक एसिड, पोटासियम फेरस सल्फेट का प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। जैसे पोटासियम का प्रिपरेशन करना है तो क्या करना है, K2SO4 लेना है, प्लस Al2SO4 लेना, प्लस 24H2O ले लेना, सब ऐड करके पोटासियम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें यार प्रैक्टिकम कर लोगे। बाकी देखो लास्ट में ये क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेता हूँ रेड कलर, ये देखो ये जो आपका लिखा गया रिकमेंडेड रिकमेंडेड बुक्स लेटेस्ट एडिशन वगैरह, तो देखो इसमें बुक में क्या है कि सब बुक थोड़ा सा फॉरेन ऑथर्स की है, यहाँ पे इंडियन इंडियन फार्माकोपिया लिखा है, देखो जो मैं आपको बताया था, इसको शॉर्ट में IP कहते हैं, आप लोग इसको प्रिफर कर सकते हो। देखो टोटल 9 एडिशन देखो IP की आई है अभी फिलहाल में, 2022 वाला ऑरेंज कलर का करंट एडिशन चल रहा है। तो क्या है कि IP का जो प्राइस होता है लगभग लगभग 4 वॉल्यूम में 2022 वाला है, तो वो 80,000 से लेके करीब करीब 1 लाख तक देखो इसका प्राइस रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना कहाँ से देखेंगे IP, तो मैं क्या करूँगा आपको, आप लोग कहाँ से देख पाएंगे, उसके लिए मैं क्या करूँगा आपको, IP को रिव्यू मतलब पूरा उसके बुक को आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में, उसको समझाऊंगा क्या कंटेंट करता है, कैसे क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे देखना होता है उसका इंडेक्स वगैरह कंटेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का थोड़ा सा यही फायदा मिल जाता है, आपको हर बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाती है आराम से, ठीक है। तो बाकी अगर आप कमेंट करें तो मैं आपको बुक्स वगैरह बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप मेरा बस समझ लीजिए, अगर आप मेरा लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो ये मैं आपको दे रहा हूँ लेक्चर, प्लस जितना नोट्स करा रहा हूँ, और प्लस जो क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा लेक्चर के वो, और लास्ट में रिविजन और थोड़ा सा डिस्कशन, अगर आप इतना कर लिए तो आप कोई भी एग्जाम आराम से निकाल लेंगे, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, मतलब जो आप एग्जाम बी फार्मा का दे रहे हैं, चाहे वो GPAT होगा, चाहे वो कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, फार्मेसी रिलेटेड बी फार्मा या डी फार्मा का, ठीक है, आप आराम से निकालेंगे। बस ट्रस्ट रखिए हम लोग को, फॉलो करिए, 100% कॉन्सेप्ट आपको सही और सटीक मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्शन में आप चैनल के पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट मैं मेंशन किया हूँ CCC, जो कि क्लैरिटी कॉन्सेप्ट कोर्स, यानी मतलब कि कोर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोर्स विद द क्लैरिटी, ठीक है, कोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट विद द क्लैरिटी, अच्छे से आपको क्लियर किया जाएगा कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी कोर्स का, चाहे भी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर
फर्स्ट से लेके 8th सेमेस्टर तक का क्यों ना हो, ठीक है? तो ठीक है, अब लास्ट में मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपका अभी भी कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स उसमें बरसात करिए, और फार्मेसी में अपना नाम बनाते रहिए, और फार्मेसी जो टर्म है उसको काफ़ी आगे बढ़ाइए। जितना MBBS का क्रेज है आपको उससे कहीं ज़्यादा फार्मेसी में लाना है, ठीक है? क्योंकि देखो यार, ये है बैक वेरियर्स, सब यही काम करते हैं, ड्रग का प्रिपरेशन, वैक्सीन का प्रिपरेशन, लेकिन उनका नाम इतना नहीं आता है, ठीक है? तो आप लोग ही देखो, करना है आप लोगों को कुछ और हम लोग को मिलके, तो उस लिए थोड़ा सा फार्मेसी फील्ड को आगे बढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाकी तो सब चीज़ होता रहेगा, ठीक है? तो बाकी मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं नोट्स वगैरह के लिए, डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम में मेजरली थोड़ा सा वहाँ पे सेफ होता है, सिक्योर होता है, आप यहाँ पे जुड़ जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन टाइप का डेली भी मिल जाएगा। तो ये देखो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी चैनल को एट लास्ट बस यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर देना यार, देखो मेरा चैनल समझ में सब्सक्राइब करना, अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब करना, ठीक है? देखो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, सब्सक्राइब कर देना, क्या कि थोड़ा सा देखो वीडियो लाने में यार मेहनत लगता है, हम लोग भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना समय निकाल के कीमती समय आप लोग को देना पड़ता है, जो कि अच्छी बात है। आप लोग भी हमारे छोटे भाई युक्त रहे, आप लोगों को गाइडेंस करना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो तब तक के लिए यार ओके बाय, तब तक के लिए लाइफ में मचाते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।